प्रभात बच्चों, चलिए आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा आरंभ करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को पाठ चार लिंग पढ़ना है। सब लोग पेज नंबर 25 खोल लेंगे। ये है आपका जो पाठ लिंग जेंडर। ठीक है, देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप भी इसको साथ साथ पढ़िए समझिए। नीचे दिए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए ये क ग्रुप है और ये ख ग्रुप है। क ग्रुप में मोर नाचता है और धोबी कपड़े धोता है। ख ग्रुप में शेरनी बैठी है और दादी स्वेटर बुन रही है। अब देखो, क वर्ग में जो है मोर और धोबी शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, और ख वर्ग में, ये देखो, ख वर्ग में शेरनी और दादी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। ठीक है, दो भेद हैं लिंग के, कौन कौन से? एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा बगीचे में घूम रहा है तो राजा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और दादाजी टेलीविजन देख रहे हैं, यहाँ पर दादाजी क्या हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है, क्योंकि वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। देखो पिछले पृष्ठ पर दिए वाक्यों में राजा तथा दादाजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कराते हैं। जैसे मुर्गी दाना चुग रही है, सेठानी पूजा कर रही है। इन वाक्यों में मुर्गी तथा सेठानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है ना। अब देखो प्राणीवाचक शब्द में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। जो जीव जंतु जो प्राणी होते हैं उनमें आसानी से हो जाती है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, धोबी धोबिन, मौसा मौसी, चाचा चाची, है ना, पोता पोती, लोहार लोहारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, है ना, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, लेखक लेखिका, लड़का लड़की, बेटा बेटी, सेठ सेठानी, माली मालिन, बकरा और बकरी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। जैसे राजा रानी, अब देखो दादा था और ई की मात्रा लगा दी तो दादी हो गया, लेकिन यहाँ पर राजा और रानी बदल गया, माता और पिता। वर वधु, वधु स्त्रीलिंग शब्द है। युवक का युवती, पति का पत्नी, बैल का गाय, है ना। ठीक, अब देखो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, वो हम हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे, उनका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। जैसे महीनों के नाम में अप्रैल, है ना, हिंदी में सावन, मार्च, है ना, कार्तिक, ये सब। ठीक, दिनों के नाम में सोमवार रविवार, है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ये सब पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। पहाड़ों के नाम हिमालय अरावली एल्पस, ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं, है ना, पहाड़ सारे। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग शब्द में, पृथ्वी को छोड़ करके, पृथ्वी तो हमारी माता है, पृथ्वी को छोड़ करके, है ना। धातुओं के नाम सोना तांबा, है ना, चांदी नहीं, चांदी को छोड़ देंगे। ठीक है, ये सब पुरुष में पुल्लिंग शब्द आते हैं। देश तथा राज्यों के नाम भारत जापान इंडोनेशिया मध्य प्रदेश मेघालय आदि। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, उदाहरण जैसे भाषाओं के नाम, है ना, जैसे हिंदी गुजराती अंग्रेजी मलयालम, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, रोमन, ब्रेल, है ना, ठीक है, फारसी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा अमावस्या एकादशी पंचमी, है ना, जो हिंदी तिथियाँ होती हैं, है ना, एकादशी एकम द्वितीय, है ना, तृतीया, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं नदियाँ।
कुछ शब्दों के पुल्लिंग रूप होते ही नहीं है, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूछ आदि, है ना। और कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, जैसे पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर आदि। कुछ शब्दों के वाक्यों में प्रयोग में उनके लिंग का पता चलता है, उदाहरण जैसे गैस, कंप्यूटर, दाल, रोटियां, रेडियो, चीनी, है ना। ये सब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तब इनके लिंग का पता चलेगा। कुछ शब्दों से पूर्व नर तथा मादा लगाकर उनका रूप जाना जाता है, जैसे नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर कछुआ, मादा कछुआ, ठीक है। कुछ शब्दों के पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित है, उन्हें ध्यान से पढ़ देखिए। बालक का बालिका, लड़का का लड़की, कवि का कवित्री, बुद्धिमान का बुद्धिमती, राजकुमार का राजकुमारी, बाघ का बाघिन, सहपाठी का सहपाठिन, विद्वान का विदुषी, छात्र का छात्रा, अध्यापक का अध्यापिका, ज्ञानवान का ज्ञानवती, वीर का वीरांगना, ये सब याद करेंगे, ठीक है। नाग का नागिन, बकरा का बकरी, श्रीमान का श्रीमती, बैल का गाय, ठीक है। ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो गया, है ना। अब अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास को करेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय।